हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का रोमन नंबर का प्लेलिस्ट चल रहा है, उसमें अभी तक हम लोगों ने 24 पार्ट पढ़ लिए हैं। 24 पार्ट हम लोगों का था वो 1151 से लेके 1200 तक का रोमन नंबर्स हम लोगों ने देखा था कैसे लिखा जाएगा। आज हम लोग चलेंगे पार्ट 25 का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे 1201 से लेके 1250 तक। तो अगर थोड़ा सा हम लास्ट क्लास को हम लोग रिमाइंड कर लें, हम लोगों ने लिखा था 1200 को, लास्ट नंबर हम लोगों का क्या था 1200। अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 100 प्लस 100। हमने रूल में डिस्कस किया, जो रूल का क्लास है, पहली क्लास हम लोगों ने रूल डिस्कस किया था, रूल और सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ हमने अच्छे से क्लियरली डिस्कस किया था कि क्या क्या सिंबल कैसे यूज़ किए जाते हैं, किन नंबर्स के लिए क्या सिंबल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमें ब्रेक कैसे करना है सिंबल, जिन भी नंबर्स का हमारे पास सिंबल होता है हमें किसी नंबर को उसी फॉर्म में ब्रेक करना है। ठीक है, तो 1000 का अगर बात करें हम लोग, तो M होता है, प्लस 100 का C और प्लस 100 का C, इसको जब हम ऐड करेंगे तो एम सी सी ये हमारा हो जाएगा 1200 का। क्लियर, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1201 से लेके, मीन्स 1201 से। क्लियर, अगर हम लोग 1201 की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, एम सी सी आई। क्लियर, 1202 की बात करें तो ये हो जाएगा एम सी सी टू टाइम्स आई। 1203 ये क्या हो जाएगा, एम सी सी थ्री टाइम्स आई। 1204 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी आई वी। क्लियर, आगे 1205 इसका हो जाएगा एम सी सी वी। 1206 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी वी आई। 1207 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी वी टू टाइम्स आई। 1208 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी वी थ्री टाइम्स आई। बाई एट का हम लोग जो लिखते हैं वही हमने लिखा है यहाँ पे, वी थ्री टाइम्स आई। क्लियर, 1209 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी आई एक्स। 1210 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी एक्स। ठीक है, 1211 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी एक्स आई। 1212 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी एक्स टू टाइम्स आई। 1213 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी एक्स थ्री टाइम्स आई। क्लियर, आगे 1214 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी एक्स आई वी। 1215 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी एक्स वी। ठीक है, तो 1215 तक ये हो गया, आगे हम लोग चलते हैं 1216। 1216 का हम लोगों का हो जाएगा एम टू टाइम्स सी एक्स वी आई। 1217 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी एक्स वी टू टाइम्स आई। 1218 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी एक्स वी थ्री टाइम्स आई। क्लियर, 1219 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी एक्स आई एक्स। क्लियर, अब आते हैं हम लोग आगे 1220 मीन्स 1220, तो इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी टू टाइम्स एक्स। क्लियर, 1221 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी टू टाइम्स एक्स आई। 1222 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी टू टाइम्स एक्स टू टाइम्स आई। क्लियर, 1223 इसका हो जाएगा एम टू टाइम्स सी टू टाइम्स एक्स थ्री टाइम्स आई। 1224
इसका हो गया m 2 टाइम्स c 2 टाइम्स x iv क्लियर। 1225 इसका हो जाएगा m 2 टाइम्स c 2 टाइम्स x v। 1226 इसका हो जाएगा m 2 टाइम्स c 2 टाइम्स x vi। 1227 इसका हो जाएगा m 2 टाइम्स c 2 टाइम्स x v 2 टाइम्स i। 1228 इसका हो जाएगा m 2 टाइम्स c 2 टाइम्स x v 3 टाइम्स i क्लियर। आगे 1229 इसका हो जाएगा m 2 टाइम्स c 2 टाइम्स x i x। 1230 इसका हो जाएगा m 2 टाइम्स c 3 टाइम्स x क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे हम लोग देखेंगे 1231 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा m 2 टाइम्स c 3 टाइम्स x i। 1232 ये हो जाएगा m 2 टाइम्स c 3 टाइम्स x 2 टाइम्स i। 1233 इसका क्या हो जाएगा m 2 टाइम्स c 3 टाइम्स x 3 टाइम्स i क्लियर। 1234 इसका हो जाएगा m 2 टाइम्स c 3 टाइम्स x आई वी। 1235 इसका हो जाएगा m 2 टाइम्स c 3 टाइम्स x v क्लियर। 1236 इसका हो जाएगा m 2 टाइम्स c 3 टाइम्स x vi। 1237 इसका हो गया m 2 टाइम्स c 3 टाइम्स x v 2 टाइम्स i क्लियर। भाई हम लोग नंबर्स को आगे वैसे ही ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। 1238 इसका हो जाएगा m 2 टाइम्स c 3 टाइम्स x v 3 टाइम्स i क्लियर। 1239 इसका हो गया m 2 टाइम्स c। देखो यहाँ तक तो सेम रहेगा, आगे हम क्या लिखेंगे 39 का 3 टाइम्स x एंड ix, ठीक है। आते हैं आगे 1240, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या कि हम यहाँ पे 4 टाइम्स कोई भी सिंबल एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे m 2 टाइम्स c 1200 ये हो गया। अब क्या करेंगे 50 मीन्स l से हम लोग 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1240। आगे 1241 इसका क्या हो जाएगा m c c x l i। 1242 इसका हो जाएगा m c c x l 2 टाइम्स i। 1243 इसका हो जाएगा m c c x l 3 टाइम्स i। 1244 इसका हो जाएगा m c c x l i v क्लियर। 1245 इसका हो जाएगा m c c x l v, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे 1245 से, तो यहाँ पे हम जगह कम है इसलिए 45 से लिख के चलेंगे, ठीक है। मींस कि 46, अब यहाँ पे 1246 का क्या हो जाएगा m c c x l v i। 1247 का m c c x l v 2 टाइम्स i। 1248 का ये हो जाएगा m c c x l v 3 टाइम्स i। 49 इसका हो जाएगा क्या m c c x l i x क्लियर। देन उसके बाद 1250 इसका क्या हो जाएगा m c c l क्लियर। इस तरह से हम लोगों का 1201 से लेके 1250 तक इस पार्ट का हो गया है, क्लियर। 1250 तक हमने देख लिया कि रोमन नंबर्स कैसे लिखे जाएंगे। जिन लोगों को रूल का वीडियो देखना वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप रूल क्लियर कर लेंगे तो सभी जो नंबर्स हैं उनको लिखने में बहुत ही इजी हो जाएगा, क्लियर।
इस तरह से हम लोगों का ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।